एक बड़ी जानकारी विकास भदौरिया दे रहे हैं कि रक्षा मंत्री को लेकर तीन नाम इस वक्त चल रहे हैं। सूत्रों के हवाले से विकास भदौरिया जानकारी दे रहे हैं, ओम माथुर, इसके अलावा सुरेश प्रभु और नरेंद्र सिंह तोमर, जिनके पास पहले से ही कई मंत्रालय हैं, नरेंद्र सिंह तोमर के पास उनका नाम भी चल रहा है। राजकिशोर जी, ये तीन नाम या कोई और? देखिए, जिस तरीके की ये पोस्ट है, अगर आप देखें, ये CCS पोस्ट है सुरक्षा समिति की, रायसीना हिल्स की, जो चार सबसे अहम पोस्ट होती है, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय। उस लिहाज से अगर देखें तो सुरेश प्रभु को अगर छोड़ दें तो अनुभव के लिहाज से बाकी दोनों नाम बहुत ही हल्के दिखाई पड़ते हैं। लेकिन ठीक है, मोदी सरकार ऐसे फैसले लेने के लिए जानी जाती है, हो सकता है वहां तक ले जाए। लेकिन जहां तक कल तक की चर्चा की बात थी, और ये लगातार रक्षा मंत्री को लेकर ही पेंच फंसा हुआ था कि अरुण जेटली का विकल्प कौन हो, क्योंकि अरुण जेटली के पास वित्त मंत्रालय भी है, तो एक बात ये चल रही थी कि आप वित्त मंत्रालय से उनको रक्षा मंत्रालय में पूरी तरीके से यहाँ भेज दिया जाए। लेकिन फिर वित्त मंत्रालय में कौन आएगा, तो उस समय पीयूष गोयल का भी नाम चल रहा था, लेकिन इसकी भी संभावना कम जताई जा रही है। तो ऐसी स्थिति में जाहिर तौर पर अगर दोनों मंत्रालय उनके पास नहीं रहते हैं तो इन तीनों नामों के अलावा और कोई चौंकाने वाला फैसला हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अगर इन तीनों की बात होगी तो सुरेश प्रभु सबसे सशक्त नाम आता है। और एक बात और, सुरेश प्रभु रेल मंत्रालय में जिस तरीके से अभी हालिया दिनों में घटनाएं हुई हैं, ऐसे में उनका रक्षा मंत्रालय ले जाना कितना अच्छा संकेत होगा, क्योंकि दुर्घटनाओं के लिए रेल जानी जाती रही, अभी इधर जानी नहीं जाती रही, मतलब चर्चा ऐसी लगातार रही है। ये है ABP News, आपको रखे आगे।